जहां कभी शान से दौड़ने वाले WDP-3A लोकोमोटिव्स आज लोहे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है उस गौरवशाली युग का, जब ये लोकोमोटिव्स भारतीय रेलवे की तेज रफ्तार और भरोसेमंद सेवा का प्रतीक हुआ करते थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेलटेक इन्फो में। 1990 के दशक में भारतीय रेलवे की स्थिति कुछ ऐसी थी कि मौजूदा लोकोमोटिव अब बढ़ती हुई यात्री ट्रैफिक की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। यही वो दौर था जब एक डेडिकेटेड हाई पावर पैसेंजर लोकोमोटिव की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। सालों तक WDM-2 भारतीय रेलवे की रीढ़ बना रहा। 1962 से सेवा में चल रहा ये लोकोमोटिव मिक्स ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसका 2600 HP का पावर आउटपुट भारी भरकम पैसेंजर ट्रेनों के लिए पर्याप्त नहीं था। समस्या ये थी कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों सेवाओं को संभालने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन स्पेशलाइज्ड पैसेंजर सर्विस के लिए इसकी परफॉर्मेंस कभी भी ऑप्टिमल नहीं रही। ऊपर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड मॉडर्न एक्सप्रेस ट्रेनों की रिक्वायरमेंट के मुकाबले बहुत कम थी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए WDP-1 तैयार किया गया, लेकिन अफसोस ये लोकोमोटिव अपने मकसद में पूरी तरह से असफल रहा। इसकी पावर सिर्फ 2300 हॉर्स पावर थी, जो WDM-2 से भी कम थी। बोबो व्हील अरेंजमेंट की वजह से राइड क्वालिटी और मेंटेनेंस में गंभीर समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा सिंगल कैब डिज़ाइन ने ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और भी सीमित कर दिया। WDP-1 में 12 सिलेंडर ALCO251B इंजन लगाया गया था, लेकिन ये केवल शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर सर्विस के लिए ठीक था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस सर्विसेज के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इन सारी कमियों को देखते हुए DLW वाराणसी के इंजीनियर्स ने 1994 से 1998 के बीच एक नए कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया। नतीजा था WDP-2, एक ऐसा लोकोमोटिव जिसमें V16 सिलेंडर ALCO251C इंजन लगाया गया, जो 3100 HP की जबरदस्त पावर देता था। ये WDM-2 से पूरे 500 HP और WDP-1 से 800 HP ज्यादा ताकतवर था। WDP-2 की सबसे अनोखी विशेषता थी इसका ड्यूअल कैप डिजाइन, जिससे दोनों दिशाओं में बिना किसी रुकावट के फुल स्पीड ऑपरेशन संभव हो गया। ये लोकोमोटिव 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड कैपेबिलिटी रखता था। हावेवर, ऑपरेशनल लिमिटेशंस की वजह से ये कमर्शियल सर्विस में मैक्सिमम 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही ऑपरेट हो पाए। इसमें कोको व्हील अरेंजमेंट दिया गया था, यानी 6 एक्सल्स का प्रयोग। इससे बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन और जबरदस्त स्टेबिलिटी मिली। साथ ही एडवांस्ड फ्लेक्सिकॉयल MKV बोगीज और 2-स्टेज सस्पेंशन सिस्टम ने इसकी राइड क्वालिटी को अनमैच्ड बना दिया। इसके V16 सिलेंडर ALCO251C डीजल इंजन को 4-स्ट्रोक टर्बोचार्ज तकनीक पर तैयार किया गया था, जो 1050 RPM तक ऑपरेट करता था, और फ्यूल एफिशिएंसी में भी ये लोकोमोटिव अपने पूर्ववर्ती से बेहतर था। जहां WDM-2 को 165 ग्राम प्रति HP प्रति घंटे की ईंधन खपत की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं WDP-2 केवल 156 ग्राम प्रति HP घंटा में काम करता था। यानी ऑपरेशनल इकोनॉमी में भी ये एक बड़ा सुधार था। तकनीकी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से WDP-2 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए वाकई गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें लगाया गया था BHEL अल्टरनेटर सिस्टम, जो पुराने DC-DC ट्रांसमिशन की जगह मॉडर्न AC-DC ट्रांसमिशन पर काम करता था। यह सिस्टम न सिर्फ अधिक इफिशियंट था, बल्कि लोकोमोटिव को ज़्यादा भरोसेमंद भी बनाता था। साथ ही इसमें एयर ब्रेक सिस्टम दिया गया था, जिसने ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को पहले से कहीं बेहतर कर दिया। पूरा लोकोमोटिव 117 टन का भारी भरकम वजन लिए हुए था, जो बेहतर एडहीजन प्रदान करता था, जबकि 19.5 टन का एक्सल लोड ट्रैक पर ऑप्टिमल वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता था। अक्टूबर 1998 ये वही ऐतिहासिक महीना था जब BLW वाराणसी से रोड नंबर 15501 के साथ पहला WDP-2 निकला। ये सिर्फ एक नया लोकोमोटिव नहीं था, बल्कि भारतीय रेल के लिए एक नया युग लेकर आया था।
यह भारतीय रेलवे का दूसरा अवसर था जब किसी डीजल लोकोमोटिव में डबल कैब डिजाइन अपनाया गया। इससे पहले WDM1 श्रृंखला की कुछ लोकोमोटिव्स में ड्यूअल कैब की व्यवस्था की गई थी। शुरुआत में प्रोडक्शन बहुत धीमी रही, केवल 44 यूनिट्स बनाए गए जिनके रोड नंबर्स 15501 से 15544 तक रहे। ये सभी लोकोमोटिव्स फरवरी 2001 तक तैयार किए गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2001 से 2002 के दौरान प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया गया और अतिरिक्त 25 लोकोमोटिव बनाए गए। इसके साथ ही WDP2 की कुल संख्या बढ़कर 69 यूनिट तक पहुंच गई जिनके रोड नंबर्स 15501 से 15569 तक थे। ये सारे लोकोमोटिव्स BLW वाराणसी की फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर्ड हुए थे और यह उपलब्धि पूरी तरह इंडिजिनस एफर्ट थी, भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की मेहनत और काबिलियत का जीवंत सबूत। WDP2 लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट भारतीय रेल ने गोल्डन रॉक डीजल लोको शेड ट्रिची को सौंपा था। यह वही शेड था जो उस समय पूरे भारत का पहला ISO 9002 अक्रेडिटेड शेड बना था और जिसमें उस दौर की सबसे एडवांस्ड मेंटेनेंस फैसिलिटीज मौजूद थी। सदर्न रेलवे के इस प्रतिष्ठित शेड को WDP2 लोकोमोटिव्स के लिए विशेष रूप से चुना गया क्योंकि यहाँ ट्रेंड और हाईली स्किल्ड टेक्निकल स्टाफ मौजूद था जो इन नए युग के लोकोमोटिव्स की जटिलताओं को संभालने में सक्षम था। शुरुआत में इन लोकोमोटिव्स को तुगलकाबाद और विजयवाड़ा शेड्स में भी होम किया गया, लेकिन प्राइमरी और सबसे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस हब गोल्डन रॉक ही रहा। फर्स्ट डिप्लॉयमेंट के लिए WDP2 लोकोमोटिव्स को सदर्न रेलवे के न्यूली कन्वर्टेड ब्रॉड गेज सेक्शन चेन्नई इशुम्बूर से तिरुचिरापल्ली के बीच लगाया गया। यह वह समय था जब ब्रॉड गेज पर हाई स्पीड पैसेंजर सर्विसेज की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। इन्हें सबसे पहले प्रेस्टीजियस पल्लवन एक्सप्रेस को हॉल करने की जिम्मेदारी दी गई जो चेन्नई इशुम्बूर से कारक्कुडी जंक्शन तक चलती थी और जिसका रेक शेयरिंग वैगे एक्सप्रेस के साथ किया जाता था। इसके साथ ही साउथ इंडिया की एक और प्राइड ट्रेन वैगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चेन्नई इशुम्बूर से मदुरई तक ब्रॉड गेज में 1999 से चल रही थी उसे भी WDP2 लोकोमोटिव सौंप दिए गए। धीरे धीरे यह लोकोमोटिव्स अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों की भी बैकबोन बन गए। रॉकफोर्ट एक्सप्रेस जो तिरुचिरापल्ली से चेन्नई इशुम्बूर के बीच चलती थी और नेल्लई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चेन्नई इशुम्बूर से तिरुनेलवेली तक लंबे रूट को कवर करती थी, उन सभी में WDP2 ने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ तक कि पोदिगै सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चेन्नई से लेकर शेंगोट्टई तक पहुँचती थी वह भी इन लोकोमोटिव्स की रेगुलर हाउल बन गई। WDP2 से WDP3A में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी कहानी भी दिलचस्प है। यह प्रक्रिया जून 2002 में शुरू हुई जब इंडियन रेलवेज ने डीजल लोकोमोटिव्स के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। यह केवल नोमेनक्लेचर का बदलाव था, किसी तरह की फिजिकल मॉडिफिकेशन इसमें शामिल नहीं थी। नए सिस्टम के अनुसार सीरीज डिजिट अब हॉर्स पावर रेंज को इंडिकेट करता था। 3 का मतलब था 3000 HP से अधिक लेकिन 4000 HP से कम। वहीं सब टाइप लेटर A का अर्थ था एडिशनल 100 HP यानी 3100 HP आउटपुट वाले लोकोमोटिव्स को A के तहत रखा गया। इसी वजह से WDP2 3100 हॉर्स पावर स्वतः ही WDP3A बन गए। यह नामिंग चेंज सबसे पहले ओरिजिनल 44 यूनिट्स पर लागू हुआ जिनके रोड नंबर्स 15501 से 15544 तक थे। बाद में बने एडिशनल 25 यूनिट्स भी डायरेक्टली WDP3A के रूप में क्लासिफाई हुए जिससे टोटल प्रोडक्शन 69 लोकोमोटिव्स तक पहुंच गई। यह कैटेगराइजेशन सिस्टम इसीलिए लाया गया था ताकि हॉर्स पावर रेंज आसानी से आइडेंटिफाई की जा सके और लोकोमोटिव्स का क्लासिफिकेशन ज्यादा सिस्टमैटिक हो। नॉर्दर्न रेलवे ने भी WDP2 और WDP3A लोकोमोटिव्स को अपने नेटवर्क में डिप्लॉय किया था, खासकर दिल्ली के तुगलकाबाद डीजल शेड के जरिए। ये शेड 1970 में एस्टैब्लिश हुआ था और नॉर्दर्न रेलवे के लिए एक मेजर डीजल हब बन चुका था। TKD शेड उन चुनिंदा शेड्स में से एक था जहां WDP1 और WDP3A दोनों लोकोमोटिव्स को होम किया गया था। यहां से ये लोकोमोटिव्स कई प्रेस्टीजियस ट्रेन्स को हॉल करते थे। दिलचस्प बात यह है कि तुगलकाबाद शेड में WDP3A लोकोमोटिव्स को एक स्पेशल नाम भी दिया गया था, पुष्पक,
जो कि सीधे रामायण की मिथोलॉजी से लिया गया एक रेफरेंस था। नॉर्दर्न रेलवे में WDP3A लोकोमोटिव्स ने कई सिग्निफिकेंट सर्विसेज हैंडल की, इनमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन्स भी शामिल थीं। हालांकि यह सच है कि इनका प्राइमरी डिप्लॉयमेंट हमेशा सदर्न रेलवे के पास ही रहा। टी के डी शेड से ऑपरेट होने वाले WDP3A लोकोमोटिव्स दिल्ली रीजन से निकलने वाली कई ट्रेन्स को भी हॉल करते थे, खासकर तब जब WDM3A या अन्य लोकोमोटिव्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। इन सब के बीच WDP3A लोकोमोटिव्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे प्रेस्टीजियस असाइनमेंट था त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन उस दौर की इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस थी, जो 2,848 किलोमीटर का विशाल सफर तय करती थी। यह हजरत निजामुद्दीन से लेकर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल केरल तक चलती थी और कोंकण रेलवे के चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत रूट के थ्रू ऑपरेट होती थी। यही वह असाइनमेंट था जिसने WDP3A लोकोमोटिव्स को लेजेंड बना दिया। त्रिवेंद्रम राजधानी पर इन लोकोमोटिव्स ने अपने दम पर पूरे कोंकण सेक्शन में लगातार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन की, जो उस समय डीजल ट्रैक्शन के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट माना जाता था। इस त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में WDP3A लोकोमोटिव्स की असली ताकत उस समय सामने आई जब ये वडोदरा से पनवेल तक के नॉनस्टॉप सेक्शन पर अपनी हाईएस्ट सेक्शन स्पीड अचीव करते थे। सबसे उल्लेखनीय परफॉर्मेंस था रत्नागिरी से सावंतवाड़ी रोड के बीच, जहां इन लोकोमोटिव्स ने औसतन 104 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन की। सोचिए, 225 किलोमीटर का सफर उन्होंने सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट में पूरा किया। यह अचीवमेंट उस दौर में किसी भी इंडियन रेलवेज डीजल लोकोमोटिव के लिए बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड था। इसके बाद WDP3A लोकोमोटिव्स ने एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाई, मुंबई CSMT से करमाली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को हॉल करना। यह कोंकण रेलवे की एक और प्रेस्टीजियस सर्विस थी और इस पर WDP3A की परफॉर्मेंस ने इनकी रिलायबिलिटी को और मजबूत कर दिया। WDP3A लोकोमोटिव्स की सबसे गंभीर और कुख्यात समस्या थी टोस्टर प्रॉब्लम। दरअसल इन लोकोमोटिव्स के रेडिएटर साइड वाले ड्राइविंग कैबिन में लगातार ओवरहीटिंग होती थी, जिसकी वजह से लोको पायलटों को अत्यधिक असुविधा झेलनी पड़ती थी। यही वजह थी कि इनको टोस्टर का निकनेम मिल गया। यह डिजाइन फ्लॉ इतना सीरियस था कि पायलट्स इस कैबिन का इस्तेमाल करने से बचते थे, और ड्यूअल कैब डिजाइन का जो सबसे बड़ा फायदा था वो प्रैक्टिकली खत्म हो गया। रेडिएटर की हीट एग्जॉस्ट की वजह से कैबिन पूरी तरह अनयूजेबल हो जाता था, और गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंचता था तो कैबिन के अंदर पारा 60 डिग्री से भी ऊपर चला जाता था। इसके अलावा इन लोकोमोटिव्स में स्ट्रक्चरल और टेक्निकल समस्याएं भी सामने आईं। समय के साथ बोगी अंडर फ्रेम में क्रैकिंग की गंभीर समस्या डेवलप हुई। कास्ट स्टील बोगी फ्रेम्स में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स पर क्रैक्स बनने लगे, जो पैसेंजर हॉलिंग के लिए सेफ्टी कंसर्न थे और डीरेलमेंट का खतरा पैदा करते थे। मेंटेनेंस भी आसान नहीं था, क्योंकि एल्को टेक्नोलॉजी बेस की वजह से ये लोकोमोटिव्स मेंटेनेंस इंटेंसिव थे। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी EMD लोकोमोटिव्स के मुकाबले कम थी, और 4 स्ट्रोक एल्को इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट 2 स्ट्रोक EMD इंजनों से ज़्यादा था। परफॉर्मेंस के मामले में भी WDP3A धीरे धीरे पीछे छूट गया। इसकी 3100 HP पावर, जो शुरुआत में एडिक्वेट मानी जाती थी, EMD WDP4 के आने के बाद इनसफिशेंट साबित हुई, क्योंकि नई ट्रेन्स के लिए 4000 से 4500 HP तक की ज़रूरत थी। टेक्नोलॉजी गैप भी साफ दिखता था, जहां EMD लोकोमोटिव्स में माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल, बेहतर डायग्नोस्टिक्स और मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स थे, वहीं WDP3A अभी भी ट्रेडिशनल ALC इकोसिस्टम्स पर आधारित था। धीरे धीरे इन लोकोमोटिव्स की सेवा आयु पूरी होने लगी और इनकी जगह आधुनिक EMD आधारित WDP4 श्रृंखला के लोकोमोटिव्स ने ले ली। स्क्रैपिंग और डिस्पोजल के मामले में अब तक 69 में से 52 यूनिट्स कंडेम्ड और स्क्रैप्ड हो चुके हैं। आज सितंबर 2025 तक केवल 17 यूनिट्स ऑपरेशनल स्टेटस में हैं। इनमें 16 तुगलकाबाद शेड के पास हैं और 1 यूनिट गोल्डन रॉक शेड में बचा है। 2021 में गोल्डन रॉक शेड ने अपने सभी WDP3A लोकोमोटिव्स को विड्रॉ कर लिया और कई यूनिट्स को पोनमले वर्कशॉप में स्क्रैपिंग के लिए भेजा गया।
फिर जनवरी 2022 में कल्याण शेड के सारे लोकोमोटिव्स कंडेम्ड और स्क्रैप कर दिए गए। यह एक मैसिव विड्रॉल था जिसमें मेजॉरिटी यूनिट्स रिटायर हो गए। आज के समय में इन लोकोमोटिव्स का ऑपरेशनल रोल बहुत लिमिटेड है। रिमेनिंग 17 यूनिट्स ज्यादातर डिपार्टमेंटल ड्यूटीज में यूज हो रहे हैं, शंटिंग ऑपरेशंस, वर्क ट्रेन्स और कभी कभी ब्रांच लाइन सर्विसेज में। तुगलकाबाद शेड के पास बचे हुए 16 यूनिट्स कभी कभी पैसेंजर ड्यूटीज भी कर लेते हैं, खासकर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन में बैकअप लोकोमोटिव के रूप में। प्रिजर्वेशन के लिहाज से सबसे खास यूनिट है रोड नंबर 15500A, यानी पहला WDP-3A लोकोमोटिव। इसे प्रिजर्व करने की योजना बनाई जा रही है ताकि इसे म्यूजियम पीस के रूप में रखा जा सके। यह यूनिट इंडियन रेलवेज में ड्यूअल कैब डीजल लोकोमोटिव डेवलपमेंट का माइलस्टोन रिप्रेजेंट करता है। 1999 से लेकर 2025 तक, लगभग ढाई दशक तक, WDP-3A लोकोमोटिव्स ने अपनी पूरी ताकत और लगन से भारतीय रेलवे की सेवा की। इन्होंने कई प्रतिष्ठित ट्रेनों को हॉल किया, राजधानी से लेकर तेजस तक, और डीजल ट्रैक्शन की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और ये लोकोमोटिव्स आज लगभग नज़र आना बंद हो गए हैं। अगर आप कभी इन्हें आज भी लाइव देखते हैं तो समझ लीजिए आप बेहद लकी हैं, क्योंकि आने वाले समय में शायद ये सिर्फ रेलवे हिस्ट्री और म्यूजियम में ही दिखाई देंगे। ये थे WDP-3A लोकोमोटिव्स की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।